दिल्ली में स्थित एक बावली जिसको अग्रसेन ने बनवाया था, इसलिए इस बावली का नाम है अग्रसेन की बावली। ये बावली दिल्ली में स्थित है। घूमने के लिए काफ़ी अच्छा स्थान है, यहाँ पे आके आप घूम सकते हैं और फोटोशूट के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। आप यहाँ पे आके फोटोशूट कर सकते हैं या कोई हॉरर मूवी बना सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे आने की कोई फी नहीं लगती, फ्री में आपकी एंट्री है। और ये सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। हाँ, लेकिन आने से पहले एक का ध्यान जरूर रखना, इस जगह से संबंधित कुछ घटनाएं इतिहास में जुड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पे भूत प्रेत या फिर आत्मा का साया है। इस जगह पे कुछ लोग आते हैं तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पे महसूस करा है किसी आत्मा को। कहावत यहाँ पर इसके मानने का ऐसा कारण इसीलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुरातन समय में जब इसे बनाया गया था उस समय यहाँ पे बावली में पानी भरा रहता था, तो अचानक से कुछ समय बाद वो पानी काला पड़ जाता है। और ये बावली को इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो महारानी है वो आके नहा सके, कपड़े लगते उनके धो सके, या और इधर उधर के लोग आकर उसमें नहा सके, उसका लुत्फ़ उठा सके। कई बार तैराक यहाँ पे आके सीखते भी थे, स्विमिंग करते थे, तो अचानक से तब वो काला पानी हो जाता है उसका, बावली का। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो भी लोग तैरने के लिए आता था वो उनके माइंड में पता नहीं क्या होता था, दिमाग में कुछ हो जाता था, जिस वजह से वो बिना कुछ सोचे बावली के अंदर कूद जाते थे और अपनी जान दे देते थे। ये कहावत है, इस पर आप यकीन करो ना करो, लेकिन एक बार यहाँ पर आके ज़रूर देखना। जब आप यहाँ पे घूमोगे तो आपको एक झंझनाहट, एक सन्नाटा सा जरूर महसूस होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है और यहाँ पे केवल अब कबूतर और चमगादड़ों का वास रह गया है, बस वही वहाँ पर रहते हैं। आप यहाँ पर आओगे तो नीचे, तब आप 105 सीढ़ियों से उतर के नीचे जाओगे और वहाँ कुएं के पास थोड़ा जाओगे तो ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर चारों तरफ चमगादड़ और कुछ भी नहीं। लेकिन इस बावली के बारे में आज भी बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर बहुत प्रेत का साया है। अगर आपको ऐसा लगता है या ऐसा नहीं लगता है तो एक बार आगे जरूर देखिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर आओगे तो हाँ, थोड़ा संभल के, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वो सन्नाटा, वो साया महसूस होगा। नीचे आप कुएं के पास वहाँ जाओगे तो वहाँ कुएं में काले कलर का पानी मिलेगा। जब काला पानी आप देखोगे तो आपके अंदर से डर जरूर बनेगा और उस डर को थोड़ा संभाल के रखना, वरना आप भी कहोगे कि हाँ, वो जो कहावतें हैं वो सच हैं। तो अग्रसेन की बावली, ये कहावत है, इस पर आप यकीन करो ना करो, लेकिन एक बार यहाँ पे आके ज़रूर देखना। जब आप यहाँ पे घूमोगे तो आपको एक झंझनाहट, एक सन्नाटा सा जरूर महसूस होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है और यहाँ पे केवल अब कबूतर और चमगादड़ों का वास रह गया है, बस वही वहाँ पर रहते हैं। आप यहाँ पर आओगे तो नीचे, तब आप 105 सीढ़ियों से उतर के नीचे जाओगे और वहाँ कुएं के पास थोड़ा जाओगे तो ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे चारों तरफ चमगादड़ और कुछ भी नहीं। लेकिन इस बावली के बारे में आज भी बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। अगर आपको ऐसा लगता है या ऐसा नहीं लगता है तो एक बार आगे ज़रूर देखिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर आओगे तो हाँ, थोड़ा समझ के, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वो सन्नाटा, वो साया महसूस होगा। नीचे आप कुएं के पास वहाँ जाओगे तो वहाँ कुएं में काले कलर का पानी मिलेगा आपको। जब काला पानी आप देखोगे तो आपके अंदर से एक डर जरूर बनेगा और उस डर को थोड़ा संभाल के रखना, वरना आप भी कहोगे कि हाँ, वो जो कहावतें हैं वो सच हैं। तो अग्रसेन की बावली, तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो? आपको वीडियो डरावनी लगी या नहीं लगी ये आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे अंदर कुछ स्पेशल टैलेंट है या नहीं है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बता रहा हूँ। वैसा ऐसा कुछ भी नहीं, कहावतें तो है, लेकिन वहाँ पे आप जाओगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगने वाला डरावना है कुछ। हाँ, थोड़ा डरावना लगेगा क्योंकि सन्नाटा हुआ रहता है, जगह ऐसी हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि भूत प्रेत वगैरह वगैरह। बस थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, कॉमेडी के लिए या थोड़ा सा इन्जॉयमेंट के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट मी।